आलू ले लो, आलू आलू ले लो, आलू। हाँ भाई, कितने का दिया आलू? भैया 50 रुपये किलो। क्या 50 रुपए किलो? भैया तो आलू बेच रहा है या सेब बेच रहा है? भैया आजकल सब्जी बेचने भी डंडे पड़ रहे हैं, लेना है तो लो। अच्छा चल चल, निकल निकल, दोबारा से कभी यहाँ दिखियो मत। हेलो दोस्तों, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता है अगर उन्हें कुछ जूता या फिर चप्पल ऑनलाइन ख़रीदना होता है तो उन्हें साइज़ सेलेक्ट करने में दिक्कत होती है, क्योंकि साइज़ जो होता है वो इंडिया का नहीं होता है, इंडिया का नहीं होता है, यूके या यूसी या यूएन इस तरह के साइज़ होता है। तो मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगा कि आप कैसे कितना साइज़ सेलेक्ट करें, कितना सही होगा इस टाइप से। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, कुछ ही दिन पहले मुझे एक जूता मंगाना था, जो कि मैंने लिया है, स्पार्क्स का है, जो कि 711 रुपीज़ का मुझे पड़ा। मैं इसका फ़ोटो आपके साथ शेयर करता हूँ, देख सकते हैं आप फ़ोटो में। तो ये जूता मुझे ख़रीदना था, तो मुझे इसका साइज़ सेलेक्ट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने थोड़ा मशक्क़त के बाद मैंने साइज़ सेलेक्ट किया और मेरा बन गया। तो मैं अपने अपने जो अपना जो एक्सपीरियंस रहा है, पर्सनल एक्सपीरियंस, उसके हिसाब से आपको इस वीडियो बताने वाला हूँ कि कैसे आप साइज सेलेक्ट करेंगे। तो आपका देखिए परफेक्ट आपका करेंगे अगर तो ये साइज रहेगा, ये ऑनलाइन अगर आपका साइज रहता है यूके में, तो आपको जो जितना आपका पैर बनता, जितना आपका बनता है नॉर्मल साइज, इंडिया में समझ लिया आपका 9 नंबर का बनता है, तो आपको 9 नंबर ही सिलेक्ट करना है, 10 या उससे कम नहीं करना है आपको। अगर 9 नंबर बनता है तो आपको 9 यूके ही सिलेक्ट करना है। वही अगर आपका थी रहता अगर आपका साइज रहता है ऑनलाइन यूएस में रहता है, यूएस में, तो आपको एक बढ़ाई करना है, यानी 10 करना है यूएस में आपको एक बढ़ा के करना है। ये सब के लिए मैं एक माइक्रोसॉफ्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप ये माइक्रोसॉफ्ट में। इस हिसाब से मैं इस माइक्रोसॉफ्ट को देख के आपको पता चल ही गया होगा कि कैसा साइज सेलेक्ट करना है। वैसे जनरली यूके में ही रहता है ज़्यादातर साइज, मैंने देखा है यूके में ही रहता है, कुछ रहता है यूएस में, तो यूएस एक आपको बढ़ा के करना है और बाकी आप देख ही सकते हैं। तो चलिए, मेरा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने क्वेरीज आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे ये वीडियो काफ़ी छोटा हो गया है, लेकिन तभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने पूरा बात क्लियर कर ही दिया होगा, कि आपको और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you.